पाकिस्तान की ऐसी धुलाई तो शायद ही कभी दुनिया के सामने हुई होगी, जैसी भारत की इस वीर बहादुर महिला ने सरेआम कर दी। पाकिस्तान्स टायरसम टेल इज अ फेक अटेम्प्ट ओवरफ्लोइंग विद हिपोक्रेसी टू हाइड इट्स ओन पैथेटिक एंड पिटिएबल रिकॉर्ड एज अ नेशन, इंक्लूडिंग इट्स ओन ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, स्प्रेड ऑफ हेट स्पीच एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ टेररिज्म। ये हैं अनन्या अग्रवाल, यूएन में भारत की प्रतिनिधि। इन्होंने अपने शब्दों के तीर से ही पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। इट इज अ कंट्री हुज लीडरशिप यूजेस अ यूएन प्लेटफॉर्म टू ओपनली प्रीच न्यूक्लियर वॉर एंड इशू कॉल टू आर्म्स अगेंस्ट अदर नेशंस। पाकिस्तान इनकी बातों को सुनकर शायद उस वक्त को कोस रहा होगा जब उसकी जुबान पर अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राम मंदिर का जिक्र आया। अपनी नापाक जुबान से राम मंदिर का नाम लेने वाले पाक से अनन्या ने कहा है कि जो खुद अपने देश में मानवाधिकारों को ताक पर रख चुके हैं, वो हमारे आंतरिक मामलों में घुसकर न्याय और अन्याय ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान अपने देश में पल रहे आतंकवाद और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को छिपाने के लिए भारत के बारे में झूठे दावे पेश करता है। अनन्या ने यूएन में पाक का पूरा कच्चा चिट्ठा ही खोल दिया। From 1947, when the minorities formed 23% of Pakistan's population, they have now dwindled to merely 3%. It has subjected Christians, Sikhs, Ahmadiyyas, Hindus, Shias, Pashtuns, Sindhis, Balochis to draconian blasphemy laws, blatant abuse and forced conversions. उन्होंने कहा कि 1947 में पाकिस्तान में 23% अल्पसंख्यक हुआ करते थे, जो अब महज 3% ही बचे हैं। पाकिस्तान में लगातार ईसाइयों, सिखों, हिंदुओं, शियाओं और अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए गए और उन पर धर्म परिवर्तन का बंधन बांधा गया। पाकिस्तान में महिलाओं पर हिंसा होती है, बाल विवाह होता है और ऑनर किलिंग की जाती है। अपने देशवासियों से अन्याय करने वाले यूएन में आकर परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान वो देश है जहां लादेन और हक्कानी को हीरो बताया जाता है। Would this gathering believe if I told them that one of Pakistan's former presidents, General Musharraf, recently called terrorists such as Osama bin Laden and the Haqqani network as Pakistan's heroes? से देश को कोई हक नहीं कि अयोध्या मामले पर आए फैसले पर वो अपने झूठ का एजेंडा चलाए। ये भारत की संप्रभुता का अपमान है और पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को एक फेल देश बताते हुए सीधे सीधे कह दिया है कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।